महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 25,425 नए मामले दर्ज किए गए हैं और संक्रमण के कारण 42 लोगों की मौत हुई है। नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 287,397 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे के दौरान ही कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 72 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 36,708 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि गुरुवार को बुधवार के मुकाबले कम संक्रमित मिले हैं। बुधवार को राज्य में कोरोना के 35,756 के मामले दर्ज किए गए थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के 72 मरीज, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 72 मरीज मिले हैं। इसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,930 हो गई है। इनमें से 1,592 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 22 लाख से अधिक कोरोना के एक्टिव केस, बात अगर पूरे देश की करें तो 27 जनवरी को भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव केस की संख्या 22,02,472 हो गई है। पिछले एक सप्ताह के दौरान पॉजिटिविटी रेट 17.75% रहा है। देश के 11 राज्यों में 50,000 से अधिक कोविड के केस हैं। देश के 3 राज्य ऐसे हैं जहां कोविड-19 के 3 लाख से अधिक मामले हैं। इन राज्यों के नाम महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।